और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए बढ़िया ही रहने चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने तुमको पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो अपने पास गामा क्षय या गामा विकिरण होती हैं वो किस प्रकार उत्सर्जित होती हैं, या गामा क्षय या गामा किरणों का रेडियोधर्मी उत्सर्जन क्या होता है। क्लियर था यहाँ तक? तो आज अपने पास जो नया टॉपिक है वो क्या है, हेडिंग डाल लीजिए आंतरिक रूपांतरण। आंतरिक रूपांतरण, आंतरिक रूपांतरण, आंतरिक रूपांतरण। देखिए आंतरिक रूपांतरण क्या होता है कि जब कोई रेडियो सक्रिय नाभिक होता है, क्या ऐसा होता है कि जब कोई रेडियो सक्रिय नाभिक उत्तेजित अवस्था से वो पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, कि जब कोई रेडियो सक्रिय नाभिक अपने उत्तेजित अवस्था से पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है तो वो गामा फोटोन, जो गामा जो फोटोन होता है वो अपनी ऊर्जा, क्या वो अपनी ऊर्जा किसी अन्य कक्षीय इलेक्ट्रॉन को दे देता है। कब? जब रेडियो सक्रिय नाभिक उत्तेजित अवस्था से कौन सी अवस्था में आ रहा है, वो पुनः मूल अवस्था में आता है, तो जो अपने पास गामा जो फोटोन है वो अपनी ऊर्जा को वो किसी अन्य कक्षीय इलेक्ट्रॉन को दे देता है। किसको दे देता है? कक्षीय इलेक्ट्रॉन को दे देता है, किसी एक कक्षीय इलेक्ट्रॉन को दे देता है। कौन? गामा जो फोटोन होता है वो अपनी ऊर्जा किसको दे देता है? एक कक्षीय इलेक्ट्रॉन को दे देता है। क्लियर? तथा जो इसकी जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? E बराबर EC-W। EC वहाँ पर क्या होती है? अपने पास उत्तेजित ऊर्जा होती है, और जो अपने पास W होती है वो किसी कक्षीय इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? बंधन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? बंधन ऊर्जा कहलाती है। इसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? आंतरिक रूपांतरण कहते हैं। क्या बताया है मैंने आंतरिक रूपांतरण में? कि जब कोई रेडियो सक्रिय नाभिक, क्या जब कोई रेडियो सक्रिय नाभिक उत्तेजित अवस्था से वो पुनः अपनी मूल अवस्था में आता है तो वो गामा फोटोन होता है, जो गामा फोटोन उत्सर्जित करता है वो अपनी ऊर्जा किसी एक कक्षीय इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तथा जो अपने पास जो ऊर्जा निकल के आती है वो क्या होती है? E बराबर EC-W, जहाँ पर EC क्या होती है? जो उत्तेजित ऊर्जा होती है वो, और जो W होता है वो किसी कक्षीय इलेक्ट्रॉन की क्या कहलाती है? बंधन ऊर्जा कहलाती है। इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? आंतरिक रूपांतरण बोलते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए लिखिए इसमें आंतरिक रूपांतरण। लिखिए जब कोई रेडियो सक्रिय नाभिक, जब कोई रेडियो सक्रिय नाभिक, जब कोई रेडियो सक्रिय नाभिक, जब कोई रेडियो सक्रिय नाभिक उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में वापस लौटता है तो इस ऊर्जा के अंतराल, तो इस ऊर्जा के या इस ऊर्जा अंतराल तो इस ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा को गामा फोटोन के रूप में उत्सर्जित, गामा फोटोन के रूप में उत्सर्जित कर उत्तेजित नाभिक अपनी ऊर्जा को
अपनी ऊर्जा को किसी एक कक्षीय इलेक्ट्रॉन को दे सकता है जिससे यह परमाणु से बाहर निम्न ऊर्जा से निकलता है E बराबर EC माइनस W। तो अपने पास जो E होती है वो क्या होती है, यहाँ लिख लेना, उत्तेजन ऊर्जा, और W जो होती है कक्षीय इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा। तो नीचे लिख लेना, इस प्रक्रिया को आंतरिक रूपांतरण कहते हैं। नीचे लिख देना, एक अन्य प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा बाहर से ऊर्जा देकर परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। यह प्रक्रिया बाह्य रूपांतरण कहलाती है। नोट डाउन करिए, बाह्य रूपांतरण कहलाती है। नोट डाउन कर लिया। चलिए अगला हेडिंग देखिए, इसमें क्या है कि जब कोई रेडियो शक्ति नाभिक उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में वापस लौटता है
तो इस ऊर्जा अंतराल को ऊर्जा गामा फोटोन के रूप में उत्सर्जित कर जो उत्तेजित नापी गए जो अपनी ऊर्जा वो किसको दे देता है, एक कक्षीय इलेक्ट्रॉन को दे देता है। और कक्षीय इलेक्ट्रॉन को देने पर यह परमाणु से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो उससे अपने जो ऊर्जा है वो उसको किससे डिनोट करते हैं, ई बराबर ई सी माइनस डब्ल्यू, जहाँ पर ई सी क्या होती है उत्तेजन ऊर्जा और डब्ल्यू क्या होती है बंधन ऊर्जा। इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, आंतरिक रूपांतरण बोलते हैं। और ये एक अन्य प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा बाहर से ऊर्जा देकर परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, जो अपने पास जब बाहर से ऊर्जा लेते हैं और बाहर से ऊर्जा लेने के पश्चात जो परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसे अपन किस प्रभाव के नाम से जानते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम के जानते हैं। तो इस प्रक्रिया को कि जब अपन बाहर से ऊर्जा लेते हैं तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, बाह्य रूपांतरण बोलते हैं। क्योंकि बाहर से क्या ली जा रही है, ऊर्जा, तो कौन सा रूपांतरण हुआ, बाह्य रूपांतरण। क्लियर है सभी को। चलिए अगला हेडिंग डालिए, उभय रूपांतरण समीकरण, वो उभय रूपांतरण। अगला हेडिंग डालिए उभय रूपांतरण गुणांक, उभय रूपांतरण गुणांक। अगला हेडिंग डालिए उभय, अगला हेडिंग है उभयांतर, उभयांतर रूपांतरण, उभय रूपांतरण गुणा। उभय रूपांतरण गुणा, देखिए इसमें जो अपने पास जो नाभिक है क्या है, जब कोई नाभिक है जो उच्च ऊर्जा स्तर से या उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में आता है, क्या है कि जब कोई नाभिक उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में आता है तो उसके लिए जो अपने पास प्रति एकांक जो संक्रमण करने के पश्चात जो प्रति एकांक जो प्रायिकता है, प्रति एकांक जो अपने पास कब, कि जब नाभिक उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में संक्रमण करता है तो प्रति एकांक जो उसकी कुल प्रायिकता होगी, क्या होगी, प्रायिकता होगी, वो अपने पास क्या कहलाती है, उभय रूपांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उभय अंतर रूपांतरण कहलाता है। तथा जो अपने पास उभयांतर जो छायांक होगा, क्या होगा, छायांक को अपन किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा सी से, किससे करते हैं, जो अपने पास छायांक होगा लैम्डा सी, तथा जो उत्सर्जन छायांक है, उत्सर्जित छायांक, वो किसके अनुपात के बराबर होगा, कि देखिए अपने पास ये सूत्र है कि लैम्डा, लैम्डा बराबर क्या होता है अपने पास, ए बराबर लैम्डा सी बटे लैम्डा गामा। क्लियर, लैम्डा गामा, और लैम्डा गामा क्या होता है, उभयांतर रूपांतर रूपांक, कि जो अपने पास लैम्डा सी है, क्या है, लैम्डा सी, लैम्डा सी तो अपने पास क्या होता है, आंतरिक रूपांतरण जो छायांक होता है, आंतरिक रूपांतरण छायांक, आंतरिक रूपांतरण छायांक, और ये क्या होता है, उत्सर्जित, उत्सर्जित छायांक। तो अपन क्या बोलेंगे कि जो आंतरिक रूपांतरण छायांक तथा उत्सर्जित छायांक का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, उभयांतर रूपांतरण गुणांक कहलाता है। कि ए बराबर लैम्डा सी अपॉन लैम्डा गामा क्या होता है, गुणांक होता है, कौन सा, उभयांतर रूपांतरण गुणांक होता है। तो इसकी परिभाषा क्या दोगे कि उभयांतर रूपांतरण गुणांक वो कहलाता है कि आंतरिक रूपांतरण छायांक तथा उत्सर्जित छायांक के अनुपात को ही अपन उभयांतर रूपांतरण छायांक बोलते हैं या गुणांक बोलते हैं। क्लियर है सभी को। चल लिखिए इसमें कि नाभिक की उच्च ऊर्जा, लिखिए नाभिक की उच्च ऊर्जा अवस्था निम्न ऊर्जा अवस्था में संक्रमण करने की कुल संक्रमण प्रायिकता
कुल संक्रमण प्रायिकता प्रति एकांक समय प्रति एकांक समय या छायांक क्या होती है? लैम्डा होती है। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा गामा प्लस लैम्डा सी। तो यहाँ पे लिख देना, गामा क्या होता है? उत्सर्जन छायांक। और जो अपने पास लैम्डा सी होगी वो क्या होगी? आंतरिक रूपांतरण छायांक। क्लियर है सभी को कि क्या बताया है? कि नाभिक की उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में संक्रमण करने की कुल जो संक्रमण प्रायिकता है उसको प्रति एकांक समय या प्रति एकांक जो अपने पास छायांक है उसको किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर क्या होता है? लैम्डा गामा प्लस लैम्डा सी। जो गामा होता है वहाँ पर वो क्या होती है? उत्सर्जन छायांक। और आंतरिक रूपांतरण छायांक क्या होता है? सी। इन दोनों की कुल टोटल क्या है? संक्रमण जो कुल प्रायिकता है वो कितनी होती है? लैम्डा बराबर लैम्डा गामा प्लस लैम्डा सी। इन दोनों का टोटल किसके बराबर होता है? इसके बाद क्लियर सभी को। चलिए नीचे लिखिए, आंतरिक रूपांतरण छायांक लैम्डा सी तथा गामा उत्सर्जन छायांक कितना माना है? लैम्डा गामा के अनुपात को उभयांतर रूपांतरण गुणांक ए कहते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? लैम्डा सी बराबर लैम्डा गामा। क्लियर है सभी को यहाँ तक कि भाई इन दोनों की कुल जो अपने पास प्रायिकता है वो क्या कहलाती है? प्रति एकांक समय या छायांक कहलाता है। छायांक लैम्डा बराबर क्या कहलाता है? कि जो लैम्डा उत्सर्जन छायांक है और जो आंतरिक रूपांतरण छायांक है वो दोनों का टोटल क्या कहलाता है? अपने पास छायांक कहलाता है। और आंतरिक रूपांतरण जो गुणांक है अपने पास वो क्या कहलाता है? कि जो अपने पास आंतरिक रूपांतरण छायांक है तथा जो अपने पास उत्सर्जन छायांक लैम्डा गामा है उन दोनों के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं? उभयांतर रूपांतरण गुणांक बोलते हैं। क्लियर सभी को। चलिए इसके नीचे लिखिए, यदि आंतरिक रूपांतरण द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या उत्सर्जित फोटोन
संक्रमण उत्सर्जित फोटोन की संख्या n गामा हो तो उस स्थिति में a बराबर क्या होगा, a बराबर nc अपॉन n गामा, क्या होगा a बराबर, इनको चौखाने में बंद कर लेना सभी को, a बराबर nc अपॉन n गामा। क्लियर है सभी को, नोट डाउन करो। पहले नोट डाउन, चलिए तो नीचे लिखिए अगला हेडिंग, रेडियो सक्रिय के उपयोग। अगला हेडिंग डालिए रेडियो सक्रिय के उपयोग। रेडियो सक्रिय के उपयोग, देखिए रेडियो सक्रिय में अपन जो अपने पास रेडियो समस्थानिक होते हैं, उनका ही अपन उपयोग करते हैं। तो रेडियो समस्थानिक के रूप में अपने पास देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में आता है, क्या आता है, चिकित्सा के क्षेत्र में जो अपने पास रेडियो समस्थानिक है वो किस प्रकार यूज किए जाते हैं, उद्योगों में किस प्रकार यूज किए जाते हैं और कार्बन डेटिंग के रूप में किस प्रकार युक्त किए जाते हैं, कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार उपयोग किए जाते हैं, इन सभी में अपन रेडियो समस्थानिक जो भी अपने पास हैं उनका अपने पास उद्योग में चिकित्सा में कार्बन डेटिंग के रूप में अपन उनका उपयोग कैसे करते हैं। क्लियर। और जो अपने पास रेडियो समस्थानिक होते हैं, जो देखिए जब कोई अपने पास जो कुछ हल्के जो तत्व होते हैं, क्या होते हैं, जब कोई अपने पास हल्के तत्व होते हैं वो हल्के जो तत्व होते हैं वो क्या करते हैं कि परमाणुओं पर जो अल्फा कणों की जब उसकी टक्कर होती है तो वो पॉजिट्रॉन के साथ क्या हो जाता है, उनका विघटन हो जाता है। कि जब परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से जब टक्कर करते हैं, क्या करते हैं, परमाणु के जो अल्फा कण हैं उनसे जब टक्कर करते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो अपने पास जो पॉजिट्रॉन हैं उनमें क्या हो जाता है, उनका विघटन हो जाता है। उनको अपन क्या बोलते हैं, रेडियो समस्थानिक बोलते हैं। कि जब कोई कुछ हल्के तत्व वो परमाणु के अल्फा कणों के साथ जब टक्कर करते हैं तो वो पॉजिट्रॉन में क्या हो जाते हैं, विघटन हो जाते हैं, तो उन्हों को अपन रेडियो समस्थानिक बोलते हैं। क्लियर है सभी को, नोट डाउन करिए इसमें। रेडियो समस्थानिक इसमें लिखिए जब कुछ हल्के तत्वों के परमाणुओं पर अल्फा कणों की टक्कर की जाती है तो उसका पॉजिट्रॉन के साथ विघटन होता है तब अस्थायी नाभिक
अस्थायी नाभिक बनते हैं, अस्थायी नाभिक बनते हैं। तो इसके लिए रिएक्शन लिख लेना 7N13। तो 6C13 और एक पॉजिट्रॉन में क्या हो जाता है, उसका विघटन हो जाता है, विघटन हो जाता है। अब रेडियो समस्थानिक में अपन देखें, एक तो लेंगे चिकित्सा, एक लेंगे उद्योग, एक लेंगे कृषि, एक लेंगे कार्बन डेटिंग, कि इनमें अपने पास जो रेडियो समस्थानिक हैं वो क्या काम करते हैं, या चिकित्सा में इनका उपयोग कैसे होता है, उद्योग में उपयोग कैसे होता है, कृषि में इसका उपयोग कैसे होता है, और कार्बन डेटिंग में इसका उपयोग कैसे होता है, किनका, रेडियो समस्थानिक। जो हल्के तत्व होते हैं उनके बारे में अपन अब क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे कि हल्के तत्वों का चिकित्सा क्षेत्र में क्या होता है, उद्योग क्षेत्र में क्या होता है, कृषि के क्षेत्र में क्या होता है, कार्बन डेटिंग के रूप में क्या होता है, क्लियर। और उसके बाद जो अपने पास नाभिकीय विखंडन आएगी, क्या आएगी, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या होती है, कि जब कोई भारी नाभिक दो हल्के हल्के नाभिकों में जब टूटता है, क्या करता है, जब टूटता है तो उससे जो निर्मुक्त हुई जो ऊर्जा होती है, जब कोई नाभिक, भारी नाभिक तो हल्के नाभिकों में टूटता है तो उससे जो निर्मुक्त हुई जो ऊर्जा है वो क्या कहलाती है, उस सही प्रक्रिया कहलाती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है, क्लियर। तो इसमें पहला डालिए चिकित्सा में उपयोग, हेडिंग डालिए चिकित्सा में उपयोग, हेडिंग डालिए चिकित्सा में, पहला है चिकित्सा में, चिकित्सा में उपयोग, चिकित्सा में उपयोग। इसमें लिखिए रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी समस्थानिकों का, रेडियोधर्मी समस्थानिकों का, रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग चिकित्सा, रेडियोधर्मी नाभिक, रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग चिकित्सा में रोग, में रोग के निदान तथा उपचार, तथा उपचार के लिए, के लिए लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। मस्तिष्क के कार्य को, मस्तिष्क के, मस्तिष्क के कार्य को नियंत्रित करने वाली, नियंत्रित, नियंत्रित करने वाली गलग्रंथि, नियंत्रित करने वाली गल ग्रंथि के व्यवहार, के व्यवहार नल गल ग्रंथि के व्यवहार का रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी आयोडीन, रेडियोधर्मी आयोडीन से पता लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। उपचार के लिए, उपचार के लिए, उपचार के लिए रेडियम, रेडियम कॉमा कोबाल्ट, कोबाल्ट कॉमा आयोडीन, कॉमा आयोडीन कॉमा सीजियम, सीजियम आदि, सीजियम आदि समस्थानिक का, आदि समस्थानिक का उपयोग, उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उपयोग करते हैं या किया जाता है। रेडियम से निकलने वाली, रेडियम से निकलने वाले गामा किरणें,
किरणें कैंसर, गामा किरणें कैंसर सेल सेल एवं 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 रसोलिका विनाश के लिए प्रयुक्त की जाती है। दूसरा लिख लेना उद्योगों में उपयोग। थोड़ा सा थॉटिकल है ये, इसको पढ़ लेना एक बार कि चिकित्सा में उपयोग किस प्रकार होता है कि रेडियोधर्मी समस्थानक का उपयोग चिकित्सा के रोग या निदान में किया जाता है तथा मस्तिष्क के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, गलग्रंथियों का उपयोग किया जाता है और तथा गलग्रंथियों का जो व्यवहार है उनका पता करने के लिए अपन कौन कौन से तत्व का उपयोग करते हैं, रेडियम कोबाल्ट आयोडीन सीज़ियम आदि समस्थानिकों का क्या करते हैं उपयोग करते हैं तथा रेडियम से जो निकलने वाली जो गामा किरणें हैं उनसे अपन कैंसर तथा जो अपने पास रसोली नामक जो रोग होता है उनके निदान के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, जो रेडियम से निकलने वाली जो गामा किरणें हैं उनका उपयोग करते हैं। इसमें इन समस्थानिकों का किसका उपयोग किया जाता है, चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। आगे अगले वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे कि उद्योगों में किस प्रकार उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसको पढ़ लेना, ठीक है।